दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सुपरस्टार महेश बाबू की मच आउटेड मूवी सरेलेरु नीकेव्वरु के बारे में कि क्या ये मूवी हिंदी में आएगा या नहीं, और अगर आएगा तो कब तक आएगा, इस मूवी का टीजर कब तक हमें देखने को मिलने वाला है, और इस मूवी की हिंदी डबिंग राइट सोल्ड आउट हुआ या नहीं, इन सारे फैक्ट्स पर बात करेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को देखने के बाद आप हमें नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि आप और कौन कौन सी साउथ मूवी का इंतजार कर रहे हैं, ताकि हम आप लोगों के लिए ला सके उन सारे फिल्मों का हिंदी डबिंग अपडेट्स। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपको मिलती रहे ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स सबसे जल्दी और सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं लाइक के बटन प्रेस करके। दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं अनिल रवि पुरी ने इससे पहले भी बहुत ही बड़े बड़े मूवीज को डायरेक्ट किया है, जैसे कि राजा दी ग्रेट, F2। उनकी सभी मूवीज बॉक्स ऑफिस के ऊपर सक्सेसफुल रही है, और अब वो लेकर आ रहे हैं सरेलेरु नीकेव्वरु मूवी को। दोस्तों ये एक तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी है, और ये मूवी आने वाला है 2020 के 17 जनवरी पर। दोस्तों ये मूवी महेश बाबू की मच आउटेड मूवी बन चुकी है। दोस्तों महेश बाबू की पिछले दो मूवी 200 करोड़ से भी ज्यादा की बिजनेस किया है बॉक्स ऑफिस पर, और उनकी इस मूवी के लिए भी उनके फैंस एक्साइटेड हैं। दोस्तों महेश बाबू की हिंदी डबिंग मूवी की बहुत ही ज्यादा डिमांड है, लेकिन इस मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स अभी तक सोल्ड नहीं हुई है, और ये खबर भी आ रहा था कि इस मूवी को हिंदी में भी रिलीज करने के प्लान किया जा रहा था, लेकिन कोई डिस्ट्रीब्यूटर इस मूवी को अभी तक परचेस नहीं किया। अगर कोई अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाता है जो इस मूवी को हिंदी में भी लेकर आए, तो वो चाहते हैं इस मूवी को हिंदी में भी रिलीज करें। और बताया जा रहा है कि जहां तक पब्लिक अमेजोन फ्लिपकार्ट पर सबटाइटल से मूवी देख लेते हैं, और सबटाइटल के साथ मूवी को देखने के बाद तेलुगु मूवी को देखने के लिए नहीं जाता है लोग थिएटरों में, इसीलिए कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हाथ नहीं लगा रहा है इस मूवी में। तो दोस्तों लगता है कि आप सबको ये मूवी हिंदी में नहीं देखने को मिलेगी बॉक्स ऑफिस के ऊपर तेलुगु के साथ में, लेकिन पता चला है कि इस मूवी को तमिल और मलयालम में भी रिलीज किया जाएगा, और इस मूवी का टीजर आप लोगों को 21 नवंबर 2019 में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस मूवी से जुड़ी हमें इतना ही जानकारी हासिल हुई है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आए होंगे। तो दोस्तों आप लोग अगर बंगाली समझते हो तो हमारे बंगाली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वहाँ पर मिलेगी बंगाली रोस्टिंग वीडियोस। तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए बंगाली रोस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी एक दूसरी बड़ी अपडेट्स में, तब तक के लिए आप रखिए अपने और अपने परिवारों का ख्याल। तो चलता हूं दोस्तों आज के लिए अलविदा।